जिला बिलासपुर के भाखड़ा डैम के नाम से मशहूर भाखड़ा गांव में तेज बरसात ने ज्यादा तबाही का मंजर नजर आता है। ये भाखड़ा गांव पूरी तरह से बरसात के कारण अन्य प्रदेशों से कट चुका है। हालांकि भाखड़ा के मशहूर नरसिंह देव मंदिर को जाने वाली सड़क भी पूरी तरह से धस चुकी है। बोट घाट को जाने वाली सीढ़ियां फट चुकी हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में पैदल जाना पड़ रहा है, जिसमें भारी खतरा है। जबकि भाखड़ा गांव में लगभग 43 रिहायशी मकानों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर भी एक कार पर पत्थर गिरने से पंजाब के रहने वाले दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। जबकि तेज रफ्तार के कारण जहां पर भारी भूस्खलन के चलते भाखड़ा नंगल डैम मार्ग पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा भाखड़ा से नैना देवी मार्ग भी बंद होने के कारण भाखड़ा, जो कि पर्यटन स्थल है और काफी संख्या में पर्यटन यहां पर भाखड़ा डैम के मनोरम दृश्य और गोविंद सागर झील को देखने पहुंचते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में आबादी है। हालांकि इस गांव में अब आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से यहां पर जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और हमें जो ये सड़क है, परसों में 3-4 दिन हुए हैं, अब ये सड़क टूट गई है, जो कि बाबा जी के जातरू मतलब की जाते हैं उनको आगे जाने के लिए बहुत मतलब की अपना दिक्कत आ रही है। तो इस करके हमारा थोड़ा सा मतलब की चौक करके तो ये अपना सड़क बनवाई है। अगर मैं आपको भाखड़ा पंचायत की बात करूं, ये मेरे को पंचायत के प्रधान ने भी दिया लिख के, आप ये बता दें कि ये टोटल कुल मिला के 43 मकान है, 43 जो मेरे को पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया और वो उन लोगों का दिया, किसी का अगली साइड गिर गई, किसी पिछली साइड गिर गई, कोई बाथरूम निकल गया, कोई स्टोर निकल गया और कईयों के कंप्लीट मकान भी चले गए। अब आप देखें कि इतनी बड़ी लिस्ट है जो केवल मात्र भाखड़ा पंचायत में और भाखड़ा गांव में जो ये नुकसान हुआ है। मैं आपको एक ही पंचायत का बता रहा हूं, ये 43 आदमी है, 43 परिवार हैं जिनको जो है वो ज्यादा कम और जितना भी है वो नुकसान हुआ है। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कृपया करके जो है वो मानवता की दृष्टि से जो है वो इस ओर देखा जाए। और साथ में मैं टेम्पल ट्रस्ट से भी कहना चाहूंगा, कैसे हुआ सर, पूछ रहे हादसा कैसे हुआ, कहां से कहां जा रहे हैं?